नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नए सेशन में एक नए बहुत ही स्पेशल जानकारी के बारे में बताने वाले हैं आप सभी को, जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे कई दोस्तों ने हमें कमेंट भी किया कि नहीं, इस जानकारी को साझा किया जाए। तो दोस्तों, पेश है आपके सामने आज का यह सेशन, और यदि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जल्दी से बेल आइकॉन प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र या ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र को नया कैसे बनाएं, तथा अगर किसी का आय, जाति, निवास गुम गया है उसको पुनः कैसे प्राप्त किया जाए, या फिर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के नक्शा, खसरा या खतौनी इत्यादि के कॉपी को, प्रतिलिपि को कैसे डाउनलोड करें, इस बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पर और यहाँ पर MPE डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर अपने MPE डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन कर चुके हैं, और इस पोर्टल पर ओपन हुए ऐसे इंटरफेस पर हम MPE डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम MPE डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को क्लिक करते हैं तो दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है, जहां पर आप आए हुए इस ऑप्शंस में से देखिए, आप न्यू आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का आपका प्रमाण पत्र हो गया, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपके किसी भी मोटर का RC हो गया, B1 खतौनी हो गया, चालू नक्शा हो गया, इत्यादि प्रकार के विधि, विधवा पेंशन हो गया, निःशक्त पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं और आप किए गए आवेदन की स्थिति को भी आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आप खुद से किसी का भी आय, जाति, निवास कैसे डाउनलोड कर सकें और उसको कैसे देख सकें। दोस्तों, इसके लिए हम आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पर हम जैसे ही ये हमारा नेक्स्ट सेशन ओपन होता है, यहाँ पर हम आए हुए इस इंटरफेस पर मुख्यतः आप देख पा रहे हैं कि पंजीकरण क्रमांक, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हमारा वो, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से भी हम अपना आय, जाति और निवास या और भी विभिन्न प्रकार की लोक सेवा गारंटी के तहत की जाने वाली आवेदन के स्थितियों को हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले एक आय प्रमाण पत्र डाउनलोड करके कि कैसे आप कोई भी आय प्रमाण पत्र उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, और उसके बाद पुनः यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड बहुत ही इजीली होता है, इसको फिल करने के बाद हम सर्च या खोजें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सर्च करके हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आवेदक का कंप्लीट डिटेल दिखा देता है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, रजिस्ट्रेशन का समय सीमा, या फिर इसका जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दिखा देता है। हम इसको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट के मोड पर देखने के लिए प्रमाण पत्र या आदेश पर क्लिक करते हैं, तो आप देख पाएंगे कि ये एक ओरिजिनल आय प्रमाण पत्र आपके सामने है, और इसको आप बहुत ही इजीली तरीके से डाउनलोड कर पाए हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम एक जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर डाउनलोड करके देख लेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर उस कास्ट सर्टिफिकेट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसको यहाँ पर हम डालेंगे, और जैसे ही यहाँ पर हम कास्ट सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद और उसकी कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे, और सर्च बटन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत इजी तरीके से
सर्च होने के बाद एक न्यू इंटरफेस में ओपन होता है, जहां पर पुनः सेम एज आवेदक का कंप्लीट डिटेल आपको शो हो रहा है, जहां पर उसका पंजीकरण क्रमांक, समय सीमा की आखिरी दिनांक, निराकरण की दिनांक, पंजीकरण की दिनांक, आवेदन पूर्णता दिनांक, निराकरण की स्थिति, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। दोस्तों आप इसको ये भी देख सकते हैं कि इसको जब बनवाया गया था तो किस टाइप से इसमें फॉर्म भरा गया था और इसको कब बनवाया गया था, तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस टाइप से इस पे फॉर्म भरा था और इसका जो जो भी अपलोडिंग किया गया था सारा कुछ आप देख पाएंगे, किस टाइप से इस पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया था आप सारा कुछ देख पा रहे हैं। दोस्तों इसी टाइप से हम इसका प्रमाण पत्र भी देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने प्रमाण पत्र पर क्लिक किया तो इस टाइप का हमारा ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश से डाउनलोड हो जाता है। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं और पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएं, और अगर किसी भी प्रकार की समस्या है आपको, अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में हम एक नए सेशन में एक नए जानकारी एक नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।